इका बीज उपचारित करने से जे तो अपन के कई कई फायदा होती का फायदा ये है कि जैसे अपन ने मिलाए तो ये पीएसबी कल्चर तो कहीं है कि जो सुपर खाद रहनी उके घोलने का काम करे। अपन सुपर खाद मक्का में देवा है नी तो कहीं है कि ऊपर ऊपर धर देवा या जमीन में थोड़ा सा पौधा के गाड़ भी देवा गोड़ में तो वो तो लगी गया थोड़ा बहुत नहीं लगे तो उसे घोल देगा तो फिर बाद में वो भी मिल जाएगा। इसके लिए पौधों पौधों की वृद्धि है ना बढ़वार अच्छी होगी है नी। और दूसरा अपने पास एक एजेक्टो वेक्टर वो यूरिया खाद के घोलने को काम करे। जैसे यूरिया खाद अपने डाल दियो है नी आदो तो लगी गया फिर कहीं नहीं लगे हुआ है नी वो जमीन में ऐसे पड़े रहे तो कहीं है कि उसे घोल देगा तो फिर वो भी लगी जाएगा। ठीक है लिए एजेक्टो वेक्टर को काम यो है। और अपने पास एक ट्राइकोडर्मा भी है। ट्राइकोडर्मा को ये फायदा है कि ये तुअर की जो जड़ दिखाई तो अपन उपचारित कर लेगा तो कहीं होगा कि ये जो ट्राइकोडर्मा का जो जीव रहे ये एक आवरण की तरफ रहेगा ये सा है नी तो कहीं है कि ये दूसरा जीव जो नुकसान पहुंचाने वाला आएगा है नी वो आएगा तो कहीं कह रहे ये ट्राइकोडर्मा वाला जीव उनके खाई जाएगा और जो सूखने की बीमारी है उससे अपन बच सकता तो ये अपना फायदा है। ये कल्चर कहाँ मिलेगा? ये कल्चर अपना क्या है सोसाइटी में मिलेगा या फिर ग्राम जो सेवक है नी है नी वहाँ मिलेगा अपने के। ये बीज अपन ने उपचारित करे अभी ये विधि समझ में आएगी तुम्हारे है नी। तो जैसे भी मान लो तुम्हारे बीज बोना है मक्का हो सोयाबीन हो तुअर हो कोई सा बीज हो तो अपन के उपचारित करे नहीं बोना है बिना उपचारित करे बीज नहीं बोना है क्योंकि बिना उपचारित बीज कराने बोगा तो अपन के बहुत सारा नुकसान होगा उसमें जो बताए कि लाल तुअर में सुकटा लग जाए फफूंद की बीमारी आए जो सुपर खाद है तो कड़क नहीं लगे तो घोलने का काम इस तरह के जो बहुत सारा नुकसान है उससे अपन बच सकता तो ये बिना उपचारित बीज अपन के नहीं बोना है। और जो भी अपना किसान भाई है अड़ोसी पड़ोसी है या अपना गांव का किसान है समूह का किसान है तो ये सारो बताना है और बीज के उपचारित कर ही नहीं बोनो है। ट्राइकोडर्मास बीज तभी उपचारित करना चाहिए जब फसल में सूखता रोग या फफूंद की समस्या होए।